Why is potentiometer preferred over a voltmeter to measure EMF of cell? EMF measure करने के लिए voltmeter के बजाय हम potentiometer क्यों prefer करते हैं? Potentiometer क्यों prefer किया जाता है? इससे पहले हमने discuss कर लिया था कि voltmeter कभी भी accurately ही नहीं देता, वो हमेशा कुछ कम वोल्टेज ही बताता है। क्या रीज़न था उसका? उसका रीज़न ये था कि जब आप एक नॉर्मल वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, तो ये शो करता है V इक्वल्स E माइनस आई आर। वोल्ट मीटर अपने लिए करंट ड्रॉ करता है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर होता है सेल का, तो फिर ये रीडिंग देता है वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, जो हमेशा ईएमएफ से कम ही होती है। तो फिर पोटेंशियोमीटर क्यों सही रीडिंग दे देता है? पोटेंशियोमीटर ईएमएफ कैसे बताता है? सीधी बात यह है कि अगर कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो रीडिंग देने के लिए अपने करंट ड्रॉ ना करे, जो मेजर करने के लिए इस सेल में से करंट का ड्रॉ ना करे, करंट की वैल्यू अगर जीरो हो, तो फिर जो भी टर्मिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल ही होगा। और क्या है, देखिए ध्यान से, आप पोटेंशियोमीटर वाले किसी भी डायग्राम में आप आ जाइए। पोटेंशियोमीटर का ये डायग्राम है, सर्किट है। जब आप नल पॉइंट पर होते हैं, जब आपने नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया, There is no current drawn by the circuit. ये पूरा सर्किट जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट है, ये सर्किट में आपके सेल E1 यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेल जिसका EMF आपको मेजर करना है, इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है। गैल्वेनोमीटर जीरो है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है। जब करंट ड्रॉ नहीं हो रही, तो वॉट एवर बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल, इट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। कैसे? कि ये ईएमएफ आपके पोटेंशियल फॉल अक्रॉस लेंथ एसी के इक्वल हो जाएगा। जो भी पोटेंशियल फॉल है अक्रॉस लेंथ एसी, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इट इज इक्वल टू द ईएमएफ। क्यों है ईएमएफ के इक्वल? क्योंकि अब आपके उस सेल से जिस सेल का ईएमएफ आपको फाइंड करना है, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जा रही। इन पूरे प्रैक्टिकल्स में पोटेंशियोमीटर एक्ट करता है एज अ वोल्ट मीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करता है, जो अपने वर्किंग के लिए आपके सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता, एनर्जी ड्रॉ नहीं करता इससे। इसलिए ईएमएफ मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे क्या? पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर हम यूज नहीं कर सकते। क्या लिखा है इसको? यह लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? नहीं तो लिख लीजिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रिफर्ड ओवर वोल्ट मीटर टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल? क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए आप, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए, क्वेश्चन की फॉर्म में इसे लिख लीजिए आप। व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रीफर्ड टू मेजर ईएमएफ ओवर कन्वेंशनल वोल्ट मीटर, ओवर कन्वेंशनल वोल्ट मीटर। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज करते, लिखते हैं इसको। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल,
when voltmeter is connected across a cell, voltmeter is connected across a cell, it draws some current from the cell, it draws some current from the cell for its working. Therefore, by equation V equals E minus IR, the terminal voltage V measured by voltmeter is less than EMF E of the cell. EMF E of the cell. Right? फिर आगे लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से. When potentiometer is used for measuring current, it does not draw any current from the complementary cell at null point. Therefore the potential fall across balancing length of potentiometer is equal to the EMF of complementary cell. Now, potentiometer acts as an ideal voltmeter of infinite resistance. Potentiometer acts as an ideal voltmeter of infinite resistance. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये.